तो इन सभी डिवाइसेस में देखने को मिलेगा मीवा 13 की ग्लोबल स्टेबल अपडेट या इंडिया वाला अपडेट। वेल गाइज, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि आपके किन सी डिवाइस में मीवा 13 का अपडेट सबसे बड़ा देखने को मिलने वाला है, तो ये वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। मैं आप लोग को सारी जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा किन किन डिवाइसेस को मीवा 13 का अपडेट हमें देखने को सबसे पहले मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं मीवा 13 के फीचर्स के बारे में कि हमारे डिवाइसेस में जब मीवा 13 का अपडेट मिलेगा तो कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, आप लोग उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मीवा 13 और मीवा 12.5 में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है दोनों को दोस्तों मैंने साइड बाई साइड कंपेरिजन करके आप लोगों को दिखाया है। उस वीडियो का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो चेकआउट दोस्तों जरूर से कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो कई जगह जाते हैं हम लोग यहाँ पर शाओमी की कम्युनिटी पेज पर, कम्युनिटी पेज को हम लोग ओपन करते हैं जो ग्लोबल कम्युनिटी इंडिया में दोस्तों कम्युनिटी तो बैन हो चुका है, पर दोस्तों अगर ग्लोबल कम्युनिटी को हम लोग ओपन करेंगे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप लोग इस लिंक को थ्रू अगर ओपन करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंडिया में रहते हैं तो आप लोग को वीपीएन की जरूरत पड़ेगी, अगर आप लोग इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप लोग बगैर वीपीएन की भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक पोस्ट हमें देखने को मिल जाता है 29/12 को यह पोस्ट देखने को मिला था, 28 तारीख को मीवा 13 ऑफिशियली चाइना में लॉन्च हुआ, 29/12 को यह पोस्ट देखने को मिल जाता है मीवा 13 स्केड्यूल ग्लोबल स्टेबल लोन। यानी दोस्तों मीवा की 13 की जो है स्केड्यूल है वो निकल के आ चुका है ग्लोबल स्टेबल लोन के लिए। बीटा वाला जो वीकली जो है दोस्तों वो तो इंडिया में ग्लोबल में बंद कर दिया गया है, सिर्फ स्टेबल देखने को मिलता है, स्टेबल बीटा ही देखने को मिलता है। तो उसकी दोस्तों यहाँ पर स्केड्यूल निकल के आ गया है। और दोस्तों यहाँ पर डिवाइस लिस्ट की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट बैच की कौन कौन सी डिवाइस देखने को मिलती है हमें यहाँ पर, जिसकी अपडेट हमें क्वार्टर वन में देखने को मिलने वाला दोस्तों। तो क्वार्टर वन में दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें मिड ऑफ जनवरी से इन सभी डिवाइसेज में अपडेट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर दोस्तों वो अपडेट भी जो उसमें देखने को मिलेगा वो स्टेबल बीटा होगा, जो पायलट टेस्टर होते हैं मी पायलट टेस्टर होते हैं दोस्तों उनको ही अपडेट सबसे पहले देखने को मिलेगा। और दोस्तों जब मी पायलट टेस्टर की अपडेट आएगी तो उसे अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो फॉर्म निकलता है उसके ऊपर भी मैं आप लोग को वीडियो जरूर बनाकर बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए। हमारे दोस्तों इतने सारे फैमिली मेम्बर हैं पर वीडियो कोई देखता ही नहीं है, मुझे शर्म आती है कि हमारे इतने बड़े फैमिली मेम्बर होने के बावजूद भी दोस्तों हमारे वीडियोस में बहुत ही कम व्यूज आते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइसेस की बात कर लेते हैं मी 11, मी 11 अल्ट्रा, मी 11 आई जो दोस्तों 6 तारीख को लॉन्च होने वाला है इंडिया में, मी 11 एक्स प्रो, मी 11 एक्स ये डिवाइस, शाओमी 11T प्रो, शाओमी 11T, मी 11 लाइट, मी 11 लाइट 5G, शाओमी 11 लाइट 5G एनी, शाओमी 11 लाइट एनी, शाओमी पैड 5, रेडमी 10, रेडमी 10 प्राइम, रेडमी नोट 10, रेडमी नोट 8 2021 एडिशन, रेडमी नोट 10 प्रो, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स, रेडमी नोट 10 और रेडमी नोट 10 GE। तो दोस्तों ये सभी डिवाइसेज हैं जिनमें हमें सबसे पहले मीवा 13 का अपडेट देखने को मिलने वाला है, और दोस्तों ये अपडेट हमें जल्दी देखने को मिलेगा। और दोस्तों बाकी डिवाइसेज की बात करते हैं, बाकी डिवाइस में हमें कब अपडेट देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर भी जब भी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा दोस्तों तो उसकी जानकारी आप लोगों को हमारे इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों आप लोग चैनल से जुड़े रहिए।